और भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द से किसान आयोग के का गठन करे। उत्तराखंड के नगला इमारती में कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र की बीजेपी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु ठाकुर ने नगला इमारती पहुंचे, जहाँ पर उनका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि देश में हर आधे घंटे में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री चुनाव आने पर किसान की तुलना अन्नदाता और भगवान से करते हैं। चुनाव जीतने के बाद किसान और उनकी मूल समस्याओं को दरकिनार कर दिया जाता है, जिसके चलते लगातार किसानों की आर्थिक स्थिति बदतर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि हर सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का कोरा आश्वासन देती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार ने समस्त किसान संगठनों को किसान आयोग बनाने का आश्वासन दिया था, काफी समय बीत जाने के बाद भी इस पर कोई भी अमल नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि अगर शीघ्र किसान आयोग का गठन नहीं किया गया तो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की बीजेपी सरकार को इसका एक बहुत बड़ा ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खानपुर से सुशील कुमार झा की रिपोर्ट। किसान आयोग केंद्र सरकार बनाएगी। केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और वित्त मंत्री, जब हम चिल्ला बॉर्डर पे थे तो राजनाथ सिंह ने बुलाया था। राजनाथ सिंह के घर पे कृषि मंत्री मौजूद रहे थे, नरेंद्र तोमर जी, और उन्होंने ये कहा था कि आपकी जो मांग है किसान आयोग के गठन की, उसमें प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण जी और मैं नरेंद्र तोमर, तीनों लोग मिलके बनाएंगे और आपकी मांग पूरी करेंगे।